हाय फ्रेंड्स, मैं हम सूर्या है और आप देख रहे हैं बॉलीवुड क्रेजीज। आज मैं बात करूंगा बाहुबली 2 के 8 दिनों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस के बारे में, वो भी हिंदी वर्जन के। जी हाँ, हिंदी वर्जन में फिल्म एक के बाद एक रिकॉर्ड बनाती नजर आ रही है, जहां पर 7 दिनों के बाद फिल्म का टोटल था 247 करोड़। उसमें आप 19 करोड़ और जोड़ लीजिए और जो कलेक्शन आया है 267 करोड़ तक का कलेक्शन आया है, यानी कि 19 करोड़ इसमें और जुड़े हैं, तो 267 करोड़ 8 दिन में फिल्म ने कमा लिए हैं। और इन 8 दिनों के बाद मुझे लग रहा है कि 9वां दिन और जो 10वां दिन होगा, इन 2 दिनों में यानी कि सेकेंड वीकेंड के सेकेंड सैटरडे और संडे का कलेक्शन जब आएगा, तो ये फिल्म का टोटल 300 करोड़ पार कर लेगा। यानी कि ये आराम से सुल्तान का रिकॉर्ड तोड़ देगा। उसके बाद 10 दिनों के कलेक्शंस के बाद जो वीक चालू होगा, सेकेंड वीक, सेकेंड मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, थर्सडे, इन 4 दिनों में ऐसा मुझे लग रहा है, यानी कि सेकेंड वीक खत्म होते होते ऐसा लग रहा है कि दंगल का भी रिकॉर्ड बीट कर सकती है फिल्म, जो 387 करोड़ का है। आपको क्या लगता है कि कब तक बीट करेगी या कैसे बीट करेगी? मुझे पहले लगा था कि शायद बीट ना कर पाए, लेकिन अब मुझे बहुत ज़्यादा भरोसा लगने लगा ऐसे कलेक्शंस पे बाहुबली 2 के, क्योंकि फिल्म देखना अभी तक लोग जा रहे हैं, पसंद कर थिएटर में देख रहे हैं, और इस तरह से क्रेज अभी तक तो कोई और फिल्म के लिए देखा नहीं गया था इंडियन सिनेमा में, तो हिंदी डब वर्जन भी कमाल कर रहा है। और एक इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको कहनी है कि मैं चाहता हूँ कि आप लोग जो मुझसे जुड़ना चाहते हो और बात करना चाहते हो व्हाट्सएप के ज़रिए, तो आप अपने कमेंट, जो कमेंट है इस वीडियो के कमेंट्स में, अपने नंबर ज़रूर ऐड कर दो और मैं आप सबको ज़रूर पर्सनल हाय ज़रूर भेजूंगा मेरे व्हाट्सएप के थ्रू, और एक हम बात करते रहेंगे, एक ग्रुप बनेगा जहां पे आप सभी और मैं भी आप लोगों से इंटरेक्ट करते रहूंगा। हमारी जो बात होगी ज़्यादातर बॉलीवुड से चीज़ों के ऊपर ही होगी, और जो मेन फोकस होगा वो बॉलीवुड के हिसाब से ही होगा कि आप कितने बड़े फैंस हैं। हम बात करेंगे और चीज़ें देखेंगे किस तरह से क्या हो रहा है बॉलीवुड जगत में, और मेरा प्रॉमिस है आपको, आप हर चीज़ें जो बॉलीवुड से जुड़ी है वो कोई भी चीज़ मिस नहीं कर पाओगे, आपको ज़रूर वो अच्छा लगेगा। कुछ और बॉलीवुड इंपॉर्टेंट खबरें आपको जरूर बताते रहूँगा मैं, इसी तरह से चलिए तक के लिए बाय बाय।